हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड हनी। गाइस कैसे हैं गाइस, आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। और गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी अपने कुंदन वाले सारे कड़े जो भी मेरे पास फिलहाल में हैं। और कुछ तो बेटे ने तोड़ दिए हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितने अभी सही सलामत हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, वरना वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ येलो कड़े। तो गाइस ये चार ही लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे को यूजली मैं कांच की चूड़ियों के अगल बगल में डालती हूँ ये, तो ये चार मेरे लिए काफी हैं। तो गाइज ये येलो कलर का ऐसा सर्कल सा कुछ बना हुआ है, उसके ऊपर एक थोड़ा बड़ा सा स्टोन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइज इसको रख देते हैं, दूसरे देख लेते हैं। तो गाइज मेरे पास ना सब कलर के हिसाब से रहता है, जैसे मेरे क्योंकि मेरे पास जो ग्रीन कंगन होते हैं, मतलब ग्रीन बैंगल्स होते हैं, तो उनके साथ ग्रीन ही कड़े होने चाहिए, उस हिसाब से मैं उसको एडजस्ट करके वन लगाती हूँ। तो गाइज मेरे पास ग्रीन कलर के भी हैं, ये इसको बोलते हैं पैरट ग्रीन, तो ये पैरट ग्रीन है कलर। और गाइज इसका जो लुक है, कुछ ग्रीन कलर के स्टोन्स जैसे कुछ लगे हुए हैं, ये देखिए ये, उसके बीच में गोल्डन वाले लगे हुए हैं बहुत सारे, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज ये भी चार ही है मेरे पास, क्योंकि यूजली मैं एक ही हाथ में पहनती हूँ, तो मेरे लिए इतना आराम से हो जाता है, काम बन जाता है। और गाइज थर्ड हैं ये वाले मेरे पास। गाइज एक साड़ी है जिसके मैचिंग मेरे पास था नहीं, मतलब क्या कहते हैं, चूड़ियां भी नहीं है उसके मैचिंग मेरे पास, तो मुझे मार्केट में एक दिन कंगन नजर आ गए। तो ये गाइज एग्जैक्ट वही कलर के कंगन है जो मेरे को उस साड़ी में चलते हैं, तो इसी कलर का गाइज उसका कलर है ना, जो इस कलर का ही है। तो ये मैंने चार खरीद लिए हैं, ये देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर के मोती जैसे लगे हुए हैं, लाइट ब्लू, और बीच में गोल्डन का कुछ टिंच है इसमें, और अगल बगल में कुछ चमकी चुमकी सा लगा हुआ है। और ये सब गाइस कांच के ही हैं गाइस, बस वही है कि इनके ये कांच के अंदर से कांच है, ये देखिए ऊपर जो भी इन्होंने लगाया है उसकी वजह से इनका जो आवाज है वो कुछ डिफरेंट लगता है, नहीं तो ये गाइस अंदर आप देख सकते हैं, इसमें कांच के दो दो चूड़ियां जोड़ के लगाई हैं इस तरीके से, देखिए अगर आपको नजर आ रही हो तो। और ऊपर से वो कुछ जो भी इसमें वो मसाला लगाते हैं जो भी, उसके जैसे उसका आवाज में भी कुछ डिफरेंस आ गया। तो ये तो थे गाइस तीसरे कड़े, और ये है गाइस चौथे कड़े, और जो ये है मल्टी कलर में गाइस। तो ये मेरे पास वो एक साड़ी जो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, ये उसके ही एग्जैक्ट मैचिंग है, क्योंकि सारे कलर उस साड़ी में है, ये मैंने स्पेसिफिकली उसी के लिए खरीदे थे। तो ये दरअसल चार ये है, और इसके मैचिंग मोटे वाले भी दो कंगन और साथ में भी हैं, दो नहीं मतलब चार। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये भी गाइस वही कांच के ही हैं, बट इनकी कुछ वही खनखनाहट में कुछ डिफरेंस आ गया। तो इसमें गाइस कितने सारे कलर्स हैं, मतलब लगभग चार कलर्स तो हैं इसमें, तो रानी कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, इस तरीके से हैं, लगभग पांच या छह कलर है इसमें टोटल। तो गाइज ये एक्चुअल में इनके साथ में आए हैं, तो ये दरअसल गाइज पूरा एक सेट है, आप देख सकते हैं ये सेट है पूरा इस तरीके से। इनमें हल्का सा कुछ अंतर है, लेकिन ये है सेट के ही, तो मैं जब भी पहनती हूँ तो ये इस तरीके से, मतलब ये दो इधर दो इस तरफ, और बीच में आप लोग चाहें तो अपना जो भी ड्रेस पहन रहे हैं उसमें उस कलर का अपना बीच में चूड़ी ऐड कर सकते हैं। कैसे लग रहे हैं गाइस, ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मल्टी कलर है गाइस, इसको आप किसी भी लगभग ड्रेस के साथ पहनेंगे ना अच्छे लगते हैं। और गाइस रानी कलर की मेरे पास दो शायद साड़ियां हैं, दो है लगभग, तो उनके ये मैं पहनती हूँ उसके साथ। इनफैक्ट मैंने जो करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी ये उसमें भी मैच करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े मैच करते हैं, ज्यादा नहीं है, हल्के ज्यादा डार्क है, वो हल्की सारी लाइट है थोड़ी, तो मैं कभी इमरजेंसी पहन लो तो पहन लो, वरना मैं यूजली नहीं पहनती हूँ, वही वाले पहनती हूँ सारे एक साथ, तो सही रहता। तो गाइस मेरे पर रानी कलर के शायद एक तो सूट है, कुर्तियां तो खैर काफी है इस कलर की, और दो साड़ीज हैं, तो इसलिए मेरे पास थोड़े बहुत चार मैंने इसलिए ले लिए, क्योंकि उनके साथ और भी कड़े होते हैं, तो चार मैंने का बस। तो इनमें गाइस ये देखिए आप, कुछ व्हाइट कलर के स्टोन लगे और बीच में वही गोल्डन का कुछ काम है। और गाइस अब हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ अब जो वैसे वाले कड़े होते हैं जिनमें नीचे मेटल लगा होता है,
तो ये गाय वैसे टाइप के कड़े हैं, इनको आप इस तरीके से जब आप पहनते हैं साड़ी के साथ, इस तरीके से इस जगह पे अपनी चूड़ी ऐड करेंगे, इस तरीके से पहनेंगे, मैच करेंगे। और गाइस इनमें काफी शाइन है क्योंकि प्योर कुंदन लगा हुआ है उसमें और कुछ भी नहीं लगा, प्योर तीन कलर के कुंदन लगे, व्हाइट, ग्रीन और रेड। रेड है या रानी कलर है पता नहीं, इस लाइट में समझ नहीं आ। और नीचे से गाइस ये मेटल जैसे ही है मतलब, तो इसे भी रख देते हैं। गाइस प्योर सिल्वर कलर, सिल्वर या डायमंड कलर बोल लो क्योंकि इसमें बड़े बड़े डायमंड लगे हैं। देखिए ये बीच वाले काफी बड़े स्टोन्स लगे हैं गाइस। तो मेरे पास एक साड़ी है, सिर्फ एक ही साड़ी ऐसी है जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर साड़ी ग्रीन कलर की है और उसमें सिर्फ व्हाइट कलर के मोतियों का काम है, उसी में सिर्फ ये मैच करते हैं। और एक सूट है मेरे पास रानी कलर का जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें व्हाइट कलर का और रानी कलर का दोनों का और नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन ऐसा, तो ये उस पे चलते हैं। बाकी ये कड़े में किसी पे नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे पे सिल्वर वाला कुछ है नहीं, ज्यादातर गोल्ड का ही रहता है तो गोल्ड वाले पहनती हूँ। तो ये भी देख लीजिए गाइज, और अंदर से भी गाइज ये मेटल के हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज कैसे लग रहे हैं या कैसे लगे। और गाइज ये 8 हैं टोटल, ये भी मेटल के ही हैं। ये भी गाइज नीचे देखिए बिल्कुल वही स्टील जो आप बोलते हैं, इनका आवाज देखिए गाइज कैसी है। ये मैंने काफी गाइज काफी बार मैंने पहने इसलिए अभी मैं इनको फिलहाल में नहीं पहनती हूँ, बट फिर भी ये काफी फेवरेट है मेरे। जब भी मुझे मन करता है कि सिर्फ कुछ व्हाइट कलर का टिंच हो उसमें और थोड़ा बहुत कलरफुल हो तो मैं यही केवल पहन लेती हूँ, अपने हाथ में सही जमता है। तो पास से देख लीजिए आप लोग, इसे भी रख देते हैं। तो ये हैं गाइस 8 हैं गाइस ये टोटल, लाइट पिंक कलर के हैं गाइस ये। ये मेरे पास दरअसल गाइस साड़ी है मेरी, उसका जो नीचे का पूरा जो पोर्शन है पल्ला तो उसका डिफरेंट है, गोल्डन कलर है, बट जो नीचे साड़ी है ओवरऑल वो इसी कलर की है, तो ये स्पेसिफिकली उसी के लिए मैंने खरीदे हैं। इसके साथ क्या है ना, वो नेवी ब्लू का भी थोड़ा बॉर्डर रहता है उसमें, तो इसके साथ आप नेवी ब्लू थोड़ा ऐड कर दें कंगन वगैरह और उसके बाद आप पहन सकते हैं दोनों हाथों में आराम से। ये भी गाइस वही नीचे से कांच है इसमें, ये देखिए, और ऊपर से वही कुंदन लगा हुआ है छोटा वाला। गाइस मेरे को ये बहुत पसंद है क्योंकि मेरी वो जो साड़ी है उसके साथ ये बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि एक तो इनमें प्योर अगर आप पिंक कलर की पहन रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं लगता है, साथ में इतना उसमें इतना चमक रहा है ना गाइस वो तो अमेजिंग लगता है। और ये गाइस नेवी ब्लू कलर के हैं, और ये गाइस ये वो पिंक मिलते हैं साथ में और थोड़ा सा गोल्ड वगैरह गोल्डन ऐड कर दो तो उस साड़ी में परफेक्ट जाता है ये। तो ये भी मेरे पास 8 है, इनमें छोटे छोटे पहले तो ये हार्ट जैसे है, हार्ट वाले मोती लगे और बीच बीच में वही गोल्डन कलर का काम है और एक एक रेड रेड लगा। तो गाइज जब इन दोनों को साथ में हम लोग जब मिक्स करते हैं, इन दोनों को मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, अभी फिलहाल मैं आपको एक ही हाथ में पहन के दिखा देती हूँ, वैसे तो ये दोनों हाथों में पहनना होता है। तो ये गाइज अगर आप एक ही हाथ में पहन रहे हैं तो अगर आप इस तरीके से पहनेंगे तो अमेजिंग लगेगा गाइज। भी रख देते हैं इसमें से गाइस, बहुत सारे बैंगल्स कड़े हैं जो मुझे लेके जाने हैं अपने साथ क्योंकि कुछ शादी में पहनने हैं, कुछ ससुराल में मैं नॉर्मली भी पहनती हूँ, तो इस तरीके से पहनने हैं सारे। और गाइस लास्ट में ये दो कड़े ऐसे हैं जिनको मैं यूजली, ये वही गाइस स्टील जैसा नीचे इसमें लगा हुआ और काफी हैवी है गाइस ये,
काफी हैवी है, प्योर गोल्डन है। तो जब भी मैं कोई चूड़ी वगैरह पहनती हूँ तो उसमें बीच में अगर ये डाल लेती हूँ तो सब बन जाता है मामला। और गाइज मेरे पास इससे भी बड़े साइज के राजस्थानी स्टाइल में बड़े बड़े वैसे नहीं होते, आप कैसे बताऊँ आपको। वो मेरे बेटे ने एक, मतलब मेरे पास दो ही थे क्योंकि मैं दो ही लेती हूँ, ये वाले हमेशा दो ही लेती हूँ, कहीं तो टूट गए मेरे, मुझे नहीं होता है लगता बुरा, लेकिन वो वाले जो बेटे ने तोड़े ना उनका बहुत बुरा लगता है गाइज। वो बहुत बड़े अच्छे अच्छे राजस्थानी स्टाइल के थे और वो हाथ में इतना बड़ा लगता था, एक तोड़ दिया उसने तो वो बर्बाद हो गया, नहीं तो मैं वो भी दिखाती आपको गाइज। तो चलिए गाइज अभी फिलहाल तो कुछ नहीं रह गया दिखाने के लिए, सब दिखा दिए मैंने। और गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे सारे कड़े, कुंदन वाले, बिना कुंदन वाले, जैसे भी मतलब। और मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत, सायोनारा गाइज। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।